अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है नूरानी कायदे का, वो तख्ती नंबर 9 और लेसन नंबर 8 है। हम आज इसकी ये जो थर्ड लाइन है, खबीर अन से लेके रुवाईद अन तक, यहाँ तक हम इसको स्टडी करेंगे। 1, 2 और 3, ये तीन लाइन जो है वो हम रीड आउट करेंगे। इससे पहले हमने लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7 जो है उसमें भी तीन तीन लाइन को रीड आउट किया था, और मैंने आपको ये बताया था कि आपने मिला के कैसे पढ़ना है, और अगर आपने उस वर्ड पे वक़्फ़ करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो आज हम अपने लेसन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। लेकिन बच्चों, लेसन नंबर 8 की तरफ जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاز برخا بازل يبي خبي رادو زبر ألف ران خبيرا راز برا حازل يحي رحي قاف دو زقين رحيق شين زب الشر حاضر ياهي شهي دال دو بشد شهيد عين زب العا زوادر يغوي عظي ميم دو زرمين عظيم قاف بقى رازر ياري قري بعد زبر ألف بن قريبا كاز بك رازر ياري كري ميم دوزر من كريم ميم زبر ما جيم زر ياجي مجي دال دو بش دم مجيد من بشمو حاضر يحي محي طوادو بشتم محيط نون زبنا عين زر يعي نعي ميم دو زر من نعيم يا زبر يا تازر يتي يتي ميم دو زبر ألف من يتي من يا زبر يا سين زر يسي يسي را دو زبر ألف ون يسير ون را بشرو وا زبر يا وي رو وي دال دو زبر ألف دن रुवैदन। सदाकुल्लाहुल्लाज़ीम। जी बच्चों, मैंने इन तीन लाइन को रीड आउट किया और आपने इसको गौर से सुना। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने इनको ठहर के पढ़ना हो, यानी कि इन लफ्ज पे आपने ठहराव करना हो, तो आपने इसको किस तरह रीड आउट करना है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है खबीरन, ठीक है। मिला के पढ़ना हो तो खबीरन है, और अगर इस पे वक्फ करना हो तो इसको हम पढ़ेंगे रहीक। वक्फ करना हो रहीक रहीक, ठीक है। इस पे हम जज़्म बना देंगे शहीदुन। वक्फ करना हो तो ये हो जाएगा शहीद शहीद। عظيم وقف کرنا ہو تو عظيم عظيم، یہاں پہ جزم ہو جائے گی۔ قریبا وقف کرنا ہو تو قریبا، دو زبر ایک زبر میں کنورٹ ہو جائے گی اور اس کو ہم بنیں گے قریبا، اور یہاں پہ ٹھہر جائیں گے۔ اور ایک بات اور بچوں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو اس کو موٹا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کریم، یہاں بھی وقف کرنا ہو کریم، جزم بن جائے گی کریم۔ مجید، وقف کرنا ہو مجید۔
मुहीत। वक्फ करना हो मुहीत, मुहीत जज़्म यहाँ पे बन जाएगी। नईम, वक्फ करना हो नईम। यतीमन, वक्फ करना हो यतीमा। यसीरन, वक्फ करना हो यसीरो। रुवैदन, वक्फ करना हो रुवैदा। तो ये बच्चों आपने इसको इस तरह पढ़ना है, मैंने आपको दो तरीकों से बता दिया। अगर आपने मिला के पढ़ना हो फिर तो सेम जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपने पढ़ना है, और अगर आपने वक़्फ़ करना हो, ठहरना हो, तो फिर आपने इसको किस तरह पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था आज का हमारा लेसन। कल हम इंशाल्लाह अपने इस तख्ती के लास्ट लेसन में हम आपको बताएंगे, और लास्ट लेसन में हमारे पास जो है वो थोड़े से ये वर्ड है जो कि थोड़े से लेंथी हैं, और इनका जोड़ और तोड़ कैसे किया जाता है ये बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये हम इंशाल्लाह आपको कल बताएंगे। और बच्चों ये कल वाला लेसन लाजमी सुनेगा, क्योंकि इसमें थोड़े से इस तख्ती के सबसे जो डिफिकल्ट वर्ड है वो यहाँ पे आएंगे, लास्ट टू लाइन्स। और इसमें मतलब जोड़ और तोड़ किस तरह करना है, आपको इजी किस तरह किया जाएगा, किस तरह पढ़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको कल वाले लेसन में बताएंगे। तो आज वाले लेसन की प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको याद कीजिएगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका तलफ़ुज़ अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह कल हम नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।